में और होते हैं, मम्मा कुछ खाने को दो। तो हम अगर खाने के लिए जाते हैं तो इतनी हमको भूख लगती है। ओके, सो हमारा पहला टॉपिक होगा फूड। फूड में पहला टॉपिक होगा हमारा स्टूडेंट्स की टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, टाइप्स ऑफ फूड क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ फूड में स्टूडेंट्स हमको टू टाइप्स के फूड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज वेजिटेरियन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन स्टूडेंट्स वो फूड होते हैं जो हमको प्लांट्स से मिलते हैं। ठीक है, एज लाइक आप हिंदी में बोल सकते हैं कि जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, जो प्लांट से मिलते हैं, और जो कुछ लोग होते हैं जो प्लांट से, फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका पल्सेस, ग्रेन्स, ये क्या होती है, हमको प्लांट से मिलती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स क्या होता है? नॉन वेजिटेरियन वो होते हैं फूड जो हमें एनिमल से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है, मीट, एग, जो कि हैंड से मिलता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया टाइप्स ऑफ फूड में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज वेजिटेरियन एंड सेकेंड इज नॉन वेजिटेरियन। ओके, वेजिटेरियन एंड सेकेंड इज नॉन वेजिटेरियन। ओके, नाउ वी विल कम टू द कवर द टॉपिक इज मील्स। ओके, नेक्स्ट वन इज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मील्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मील्स में स्टूडेंट हमारी थ्री मील्स होती है। ठीक है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के अंदर वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। हमें क्या है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज यू ऑल नो दैट कि हम स्कूल आने से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, हमारी मम्मा सजेस्ट करती है ब्रेकफास्ट करते जाओ। क्या आपको पता है क्यों इसे किया जाता है? क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है वो फुल डे। ठीक है, ब्रेकफास्ट में कुछ बच्चों को क्या होता है, मिल्क दिया जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज वी हैव टू टेक लंच इन द आफ्टरनून। हमें लंच में क्या है, आफ्टरनून में लंच करते हैं। ठीक है, लंच में आप खा सकते हैं दाल, राइस, रोटी, चपाती, जो भी खाना है। एंड सेकेंड वन, थर्ड वन एंड लास्ट आता है स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिनर एट नाइट। हम डिनर जो है वो नाइट में करते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, हमारी लास्ट मील जो होती है जब हम बेड पे जाते हैं बिफोर, उसके पहले जो लास्ट मील होती है, एज यू ऑल नो दैट उसको क्या बोला जाता है, उसको स्टूडेंट्स सपर बोलते हैं। सफर वो लास्ट मील होती है जो आपको बेड पे जाने से पहले, लास्ट मील, फॉर एग्जाम्पल आप सफर में क्या होते हैं, कुछ लोग मिल्क लेते हैं। ठीक है, मिल्क लेते हैं, तो उसको सफर बोला जाता है। ओके, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स की बॉडी बिल्डिंग और एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं। एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड, फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड में आता है जिस फूड से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी हमें मिलती है जिस फूड से, एनर्जी गिविंग फूड। फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स कि हमें क्या होता है कि एनर्जी गिविंग फूड। ओके, एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं? वो फूड जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमें किस किस से मिलती है? राइस, ठीक है, राइस हो गया, बटर हो गया, पोटैटो हो गया, इन सबसे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, नेक्स्ट वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड, उन फूड से जिनसे हमारी बॉडी मेंटेन होती है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क। एज यू ऑल नो दैट मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। आप अगर पूरे दिन में यू हैव टू टेक वन ग्लास ऑफ मिल्क इन अ होल डे, देन वो पूरा आपका फूड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है वेल कुक्ड फूड। हमें हमेशा स्टूडेंट्स वेल कुक्ड फूड खानी चाहिए। ठीक है, हम जब भी क्या है, कुक्ड अगर फूड, हाफ कुक्ड फूड खाते हैं तो क्या देखते हैं आप हमें कि स्टमक ऐसा होता है या कुछ ऐसा होता है, तो हमें हमेशा वेल कुक्ड फूड खानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, गुड फूड हैबिट्स क्या होती है? कुछ गुड फूड हैबिट्स बताई गई होंगी आपको। फर्स्ट इज आपको हमेशा अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, यानी टेक योर मील्स ऑन प्रॉपर टाइम। आप ऐसा नहीं करेंगे कि ब्रेकफास्ट को लंच के टाइम पे करेंगे, लंच को डिनर के टाइम पे करेंगे, यू कांट डू दिस। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज च्यू योर फूड प्रॉपरली। आपको अपना खाना क्या है, प्रॉपर च्यू करना चाहिए। ठीक है, और हमेशा थर्ड वन इज आपको हमेशा प्रॉपर वेल कुक्ड फूड खाना चाहिए, प्रॉपर वेल कुक्ड फूड खाना चाहिए। अगर आप प्रॉपर वेल कुक्ड फूड खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे।